सेकेंड यूनिट का मतलब दूसरे फिजिक्स सेकेंड पार्ट का आपका परमाणु पार्ट से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को स्टार्ट किया हूँ, जिसमें आपका फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, इस तरीके से दो चार छः पार्ट में आपका इसमें के सारे न्यूमेरिकल आपको मिल जाएंगे। तो इसको आप अच्छी तरीके से समझिएगा। न्यूमेरिकल को मैं पता है कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर लगा देता हूँ, सोल्यूशन करता हूँ, और जो कोई भी दिक्कत हो कमेंट में आप कमेंट करते हैं, ठीक है। और हमें चैट कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, 9792506169 आपका नंबर है आपके लिए, आप उसमें चैट कर सकते हैं। देखिए इसमें सवाल जो है आपकी मिलती भी है आपके फिजिक्स में, तो सवाल को आप अच्छी तरीके से समझिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर लग जाएगा। और रिक्वेस्ट है कि मेरा एक सेकंड चैनल है मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल, प्लीज़ उसको भी सपोर्ट कर दीजिएगा तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तब भी कोई बात नहीं, बस आपकी इच्छा जैसे भी हो। देखिए सवाल है, हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन तृतीय उत्तेजित अवस्था में प्रथम उत्तेजित अवस्था में संक्रमित हो रहा है, ये बात है कि उत्सर्जित फोटॉन की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना है, इस स्टेप से उस स्टेप में ऐसा हो रहा है और उत्सर्जित तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना है। अथवा करके इसमें क्वेश्चन दिया गया है, अथवा में क्या करके दिया गया कि एक हाइड्रोजन परमाणु में कक्षा एन यानी चार बराबर कक्षा एन टू मतलब चार से टू, तो आपका एक संक्रमण होता है इसमें और उत्सर्जित फोटॉन की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना है, मतलब दोनों क्वेश्चन वही है बस आपको, अथवा अगर क्वेश्चन का आपको आकार थोड़ा उसमें भाषा चेंज करके दी गई है बस, और कुछ भी नहीं है। तो इसमें जो भी आपको है सवाल आपको कैसे लगाना है वो सारी चीज़ें हैं। तो आपको पता है कि आपका तृतीय उत्तेजित अवस्था आपका और प्रथम उत्तेजित अवस्था, मतलब अच्छा जो अवस्थाएं होती हैं उत्तेजित अवस्था के लिए, जैसे आपका N2 है, कभी आपको लिखा, अभी इससे पहले मैं आपको लिख देता हूँ, जैसे कि प्रथम उत्तेजित अवस्था यहाँ पर लिखेंगे आपका प्रथम उत्तेजित अवस्था, अगर प्रथम है अब ध्यान दीजिए यहाँ पर बात समझने, प्रथम उत्तेजित अवस्था है तो प्रथम उत्तेजित अवस्था के लिए आपको क्या होता है कि N जो N होता है आपका, यानी कि N N बराबर प्रथम में है तो ये टू में जाएगा, मतलब प्रथम से उत्तेजित है टू में, आप यहाँ पर इसी बात को ध्यान देंगे। यानी कि आपको प्रथम उत्तेजित अवस्था है तो प्रथम उत्तेजित तो मतलब सेकंड में जा रहा, और अगर द्वितीय उत्तेजित अवस्था है तो इसका मतलब थर्ड में। इसी तरीके से अगर हम लिखना चाहें यहाँ पर कि आपका तृतीय उत्तेजित अवस्था, क्या तृतीय उत्तेजित अवस्था, क्या अवस्था, ठीक है, तिथि है तो n बराबर हमारा कितना आ जाएगा आप खुद बताइए, तिथि है तो इसका मतलब कितना आएगा फोर में आएगा, किस में आएगा फोर, n बराबर कितना जाएगा फोर, ठीक है। और हमारा जो फार्मूला एक होता है en बराबर माइनस आर एच सी अपान एन स्क्वायर, ठीक, इस पे अगर हम रखते हैं मान को तो माइनस का माइनस हो गया आपका, आर का मान हमारा इतना हो गया, ठीक है, ये ठीक है आपका ये हो गया, उसके बाद आपका यहाँ पर है मतलब टोटल मान आपका ये हो गया, एन स्क्वायर का मान तो आपको कुछ है नहीं, इसको आपको ऐसे बाकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको ऐसे लिख देना है, यहाँ पर ये तो हो गई बात, ये तो आपको हो गई बात, ठीक है। यहाँ पर जो बोला गया है कि हमें बताना है उत्तेजित फोटॉन की तरंग दैर्ध्य, उत्सर्जित फोटॉन की तरंग दैर्ध्य, तो हमारा कित कौन सी स्टेज में है, हमारा वो बोल रहा है कि एन फोर से कक्षा एन टू तक, तो हमारा N4 का निकल मतलब N4 से है तो हमारा E4 यहाँ पर लिखिए, N का वन मान कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ N की जगह कितना हो जाएगा 4, अगर हम यहाँ पर 4 रखते हैं तो हमारा वही आपका माइनस वन थ्री मतलब 13.6 अपान N का मान कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर, क्योंकि N का स्क्वायर है, इस फार्मूले पकड़ रहे थे, हमारा फार्मूला है, ठीक है, ई एन का मान हम निकाला इलेक्ट्रॉन जो हमारा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मतलब जो है इसमें उत्सर्जित हो गई, तो यहाँ पर इस तरीके से फार्मूले पर रखेंगे तो हमारा इसको हल करेंगे तो हमारा माइनस 136 ये आपका 4 का स्क्वायर है, ये आपका 4 का स्क्वायर है तो आपका 16 होगा पता है, और इसको अगर हम काट देंगे तो हमारा जीरो माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आ जाएगा। इसी तरीके से हम 4 के बाद हम 2 में निकालेंगे क्योंकि ये हमारा 2 से 4 है, किस 4 से 2 है, 4 से 2 है, तो हमारा यहाँ पर फिर से फार्मूला लगाएंगे सारी चीज़ें, यहाँ पर जो हमारा 4 था यहाँ पर 2 रखेंगे और इसी तरीके से हमारा हल होगा, यहाँ पर 2 का 4 हो जाएगा और इसको जब काटेंगे तो हमारा 0.0 इसमें पॉइंट का इसमें कट जाएगा, 3 4 3 12 3
पॉइंट ये माइनस में आएगा, ध्यान दीजिएगा, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो गया आपका। ठीक है, अब हमारा जो एकदम इजी सवाल है आपका, ये जो दोनों हमने दोनों स्तर का निकाल लिया, दोनों स्तर का, दोनों लेवल का मैंने निकाल लिया। अब दोनों तेजस अवस्था का मैंने निकाल लिया, तो हमारा जो डेल्टा ई होता है, तो हमारा ये ई फोर वाले में ई टू को घटा देना है, मतलब कि आपका जो सवाल में आंसर आया 0-0.85 में से आपको घटा देना -3.4 को। ठीक है, इसको जब घटा देंगे तो आप खुद, ये दशमलव के पहले है, दशमलव के बाद है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो तीन में से ये घट जाएगा। यहाँ पर समझने वाली बात है, बच्चों को समझ में कम आएगा। तो देखिए, दशमलव को पहले इसमें संख्या नहीं है, दशमलव पहले इसमें संख्या है, मतलब दशमलव बाद दो अंक चाहिए, इसमें आप जीरो बढ़ा लेंगे, आप जीरो बढ़ा लीजिए, ये माइनस और ये माइनस माइनस मिला के प्लस हो गया, बात को समझिए। अब देखिए यहाँ से घटाने का प्रोसेस, ये इसमें घटेगा, इसमें जीरो में से पाँच गया, दस में से पाँच गया, पाँच आएगा, यहाँ बचा तीन, तीन में से नहीं जाएगा, तेरह में से आठ जाएगा तो कितना आएगा, तेरह में से पाँच आएगा। ठीक है, ये भी पाँच हो गया, यहाँ पर बच रहा है दो, दो में से कुछ भी नहीं जाएगा तो हमारा दो ही बचेगा, प्लस है तो प्लस में बच रहा है, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा आ गया। ठीक है, हमारा आपका चूँकि जो आपका तरंग दैर्ध्य मतलब हमने निकालना था, तो हमारा ये 1.2375 एंगस्ट्रॉम में हम रखेंगे डेल्टा ई का मान, तो 1.2375 में डेल्टा ई का मान जो हमारा है 2.55, और इसको अगर हम कट करेंगे, ये एंगस्ट्रॉम में है, यहाँ पर एंगस्ट्रॉम में होता है, इसको जब हम कट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4853। ठीक है, एंगस्ट्रॉम यहाँ लिख देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा, इसका तरंग दैर्ध्य, इस सवाल का आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, हो सके चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर देना। ठीक है, तो बाकी सवाल जो भी है आपको ऐसे मिलती रहेंगी हर एक चैप्टर की। पहला पार्ट आपका फिजिक्स का पहला पार्ट, महीने का मतलब जो आपका एक क्रम से वैद्युत आवेश और वैद्युत धारा तक उसमें हम पहुँचे हैं, वैद्युत धारा खत्म होने वाला है, उसमें बहुत सारी सवाले लगाए हैं, बहुत सारे पार्ट बनाए हैं, उधर से वो चल रहा है, चार पार्ट हो गया है लगभग इसमें, अब इधर भी आपका तीन चार पाँच पार्ट हो जाएगा, दोनों कम्प्लीट हो जाएगा, फिजिक्स मतलब कम्प्लीट खत्म हो जाएगी एक बार, फिर हम रिविजन करवाते रहेंगे अच्छे अच्छे सवाल लेकर के। कई बुक से मैं यहाँ पर कलेक्ट करके आपको लगाता हूँ, आपके सामने दिखाता हूँ आपको क्या क्या करना है कैसे। ठीक है, अगली सवाल चलते हैं, दिखाते हैं, लगाते हैं, आप देखते रहिएगा, स्क्रीन पर लग जाएगी सवाल। तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है कभी कभी, आवाज़ में प्रॉब्लम आ जाती है, आवाज़ रिकॉर्ड नहीं होता है, इसी से पहले वीडियो बनाया तो आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई थी, तमाम समस्याएँ हो जाती हैं, तो आवाज़ के लिए थोड़ा अगर दिक्कत हो तो उसके लिए मैं लिख दूँगा। अगली सवाल आपके सामने देखिए मैं लगा रहा हूँ, आप देखते रहिएगा, आपके सामने सवाल कि हाइड्रोजन परमाणु में पहली बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -2.2×10⁻¹⁸ जूल है, जब इलेक्ट्रॉन कक्षा संख्या तीन से कक्षा संख्या दो में संक्रमण करे तो उत्सर्जित फोटॉन की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें उत्सर्जित फोटॉन की क्या ज्ञात करना है, आवृत्ति ज्ञात करना है। ठीक है, आवृत्ति ज्ञात करना है, इसके लिए हम मतलब वही हमारा फार्मूला जो भी लगाए पिछले सवाल में उसी तरीके का फार्मूला और होता है, ई एन पर होता है, तो वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे अभी। तो हम सबसे पहले इसमें बोल रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु में पहली बोहर कक्षा में, ठीक है, तो पहली बोहर कक्षा के लिए ऊर्जा जो दी गई है वो लिखते हैं, तो पहली बोहर कक्षा के लिए ऊर्जा, उत्सर्जित ऊर्जा, हम ऊर्जा लिख दे रहे हैं बस, उत्सर्जित ऊर्जा, तो ये कितना है इसमें हम देखते हैं, तो हमारा कितना है -2.2×10⁻¹⁸, ये 2.2×10⁻¹⁸ ये हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है अब इसमें और चीज़ बोल रहा है कि आपका जब इलेक्ट्रॉन कक्षा से तीन कक्षा से दो कक्षा में संक्रमण कर, मतलब तीन से दो में जा रहा है तो संक्रमण कर रहा है, तो इसके लिए हमें अगले जो कक्षा है उनके लिए मतलब यनुई कक्षा लिख दे रहे थे, यनुई कक्षा के लिए आपका ऊर्जा, अगर एनवी कक्षा मतलब कक्षा का कोई पता ना हो, उस कक्षा का पता ना हो कौन सी कक्षा है, तब हमें एन मानना पड़ेगा, मतलब एन अगर कक्षा का पता हो, कोई दूसरी कक्षा है तो दो लिखेंगे, तीसरी है तो तीन लिखेंगे, पर उसमें कक्षा नहीं पता है तो आपको एन ही लिखेंगे। तो यहाँ पर हम इसको हम एन के हिसाब से लगाएंगे, तो हमारा ई एन फार्मूला
ई एन बराबर माइनस 2.2 गुणा 10 की पावर माइनस 18 अपॉन एन स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका, इसको समीकरण एक मान के हम चलते हैं। समीकरण एक, एक ये हो गया कि समीकरण एक ही हो गया। अब इससे अगर हम देखते हैं कि इसमें तीसरा, मतलब यहाँ पर n का मान अगर तीसरा कक्षक है, यहाँ पर अगर तीन होता तो आपका माइनस 2.2 गुणा 10 की पावर माइनस 18 अपान n का मान हमारा 3 है, तो 3 स्क्वायर, और इसको जब हम हल करेंगे तो हमारा यहाँ पर माइनस 2.2 गुणा 10 की पावर माइनस 18 अपान 3 त्रिका 9, ये हो गया। ठीक है, और बराबर आपका इसको अगर काटेंगे, 9 से काटेंगे तो दशमलव में आपका आएगा, पता ही है, तो दशमलव में इसको हम काट लेंगे और आपका वैल्यू आ जाएगा 2.44 गुणा 10 की पावर माइनस 19, ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो था E3 के लिए, ये किसके लिए था, ये E3 के लिए था, जिस चीज़ के लिए एन का मान मैंने बोला जिस लेवल में उस लेवल में, E3 के लिए है। इसी तरीके से E2 के लिए निकालेंगे, फार्मूला सेम रहेगा, ऐसे ही हम लगाएंगे माइनस 2 गुणा 10 की पावर माइनस 18 अपॉन में आपका 3 है तो यहाँ पर 2 रहेगा, 2 का स्क्वायर मतलब आपका यहाँ पर आपका माइनस 2.2 गुणा 10 की पावर माइनस 18 और अपॉन में आपका 2 की 4 हो जाएगा ये। ठीक है, अब इस तरीके से 4 को अगर इसको भी हम काटेंगे तो हमारा वैल्यू जो आ जाएगा, ये काटने के बाद ये आ जाएगा माइनस 5.5 गुणा 10 की पावर माइनस 19, एक बार अगर आप ऐसे लगाएंगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा जो है ना सवाल में हमारा फोटान की आवृत्ति निकालना है, क्या निकालना है, फोटान की आवृत्ति मतलब फोटान की आवृत्ति सूत्र, जितने जितने सवाल लगे ना वो आप सूत्र को याद कर दीजिए। फोटान की आवृत्ति मतलब V बराबर आपका E3 से, मतलब इसका हम दोनों को घटाएंगे, कभी भी ऐसे दोनों घटाएंगे और उसको जो n में है उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। इस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर E का पहले का मान आपका है माइनस 2.0, ये वाला है पहला, ये वाला है दूसरा, तो 4 गुणा 10 की पावर माइनस 19, ये है पहला, ये वाला माइनस अगर हम इसको घटाएंगे तो यह है आपका माइनस में 5.5 गुणा 10 की पावर माइनस 19, ये है आपका दूसरा, बटा में आपका क्या है, बटा में n है, तो बटा में आपका n है, n आपका बटा में कितना है, n का मतलब जो वैल्यू है हमारा 6.6 गुणा 10 की पावर माइनस 34, ये फिक्स होता है। ठीक है, फोटान के लिए। अब इसको जब हम काट देंगे, मतलब इसको आपको घटाना है, पहले घटाने के लिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा तब भी घटेगा, और इसमें से इसको घटा लेंगे तो हमारा जो मान आएगा उसको हम डिवाइड कर देंगे इसमें, तो 0.46 गुणा 10 की पावर माइनस 15, इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। कैसे करना है आप समझिए, इसको इसको घटा लेंगे, ये कम है ये ज़्यादा, इसमें से इसको घटा लेंगे, जो बचेगा उसको इससे भाग कर देंगे तो आपका आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इस तरीके के कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं ना तो मेरे चैनल पर देखिए, आपको इस तरीके कैलकुलेशन मिल जाएगी, मतलब यही पार्ट, इतने ही पार्ट का मैं करवाता हूँ तो आपको समझ में वो आ जाएगा। ओके, चलिए ये दो सवाल मैंने लिए था, अगली वीडियो आपको मिलेगी बस अगले पार्ट के लिए, गर्मी थोड़ा तेज़ है इसलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बना रहे हैं और वीडियो थोड़ा कम आ रही है इसलिए सॉरी, जैसे ही थोड़ा गर्मी से राहत मिलती है मैं बहुत वीडियो लेकर आऊँगा। और मेरे सेकंड चैनल को भी सपोर्ट करिएगा, मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल का नाम है, उसको भी आप लोग सपोर्ट करिए और अच्छे अच्छे वीडियोज़ पर भी डालते हैं, यूट्यूब रिलेटेड और मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी रिलेटेड, और बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलेगी, प्लीज़ उसको भी चैनल को सपोर्ट करिए, आप जिसने जैसे इस पर सपोर्ट किया वैसे आप उसको